द वैल्यू ऑफ वन अपन में सेक एक्स माइनस टेन एक्स माइनस वन अपन में कॉस एक्स, जहाँ पर थीटा जो है जो एक्स है जीरो से बड़ा और नाइन्टी से, ठीक है भाई, जीरो और नाइन्टी के बीच में होना चाहिए। तो कैसे करेंगे, वैल्यू भी पुट कर सकते हैं आप और इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। अगर मैं सोल्व करना चाहूँ इसको तो मैं नीचे वाले वैल्यू को सोल्व करता हूँ। सबसे पहले सेक एक्स को मैं चेंज करूँगा कॉस में, तो हो जाएगा वन अपॉन में कॉस एक्स माइनस, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स, साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स। अगर मैं इनका एलसीएम लूँगा तो कॉस एक्स हो जाएगा, यानी कि वन माइनस साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स, और पहले से बटे में वन है तो ये कॉस एक्स जाके ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि इसको हम कह सकते हैं भाई कॉस एक्स अपॉन में वन माइनस का साइन एक्स, ये हो जाएगा इसका वैल्यू। अब आते हैं इस पर आते हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू निकल कर आई हमारी वो निकल कर आई कॉस एक्स अपॉन में वन माइनस साइन एक्स माइनस वन अपॉन में कॉस एक्स। अगर मैं इनका एलसीएम लेता हूँ तो हो जाएगा कॉस एक्स वन माइनस साइन एक्स, ये कॉस वन माइनस साइन से वन माइनस साइन कट जाएगा, यह हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस क्या हो जाएगा वन माइनस साइन एक्स। बातें यहाँ तक समझ में आ रही है। अगर मैं इसको तोड़ दूँ तो इसको ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का वन प्लस का साइन एक्स बटे में कॉस एक्स इंटू वन माइनस का साइन एक्स। एक चीज़ आपने पढ़ी होगी वो क्या कि भाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वन होता है, यहाँ से हम साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू वन माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, पर हमें चाहिए क्या वन माइनस में चाहिए, कॉस जो है पॉजिटिव चाहिए, तो उसके लिए हमें यहाँ पर माइनस लगाना पड़ेगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस में, वैल्यू हो जाएगी प्लस में, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इस वाले टर्म को मैं लिख सकता हूँ कि माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस का साइन एक्स बटे में हो जाएगा कॉस एक्स इंटू वन माइनस का साइन एक्स। अब यहाँ से देखो अगर मैं साइन एक्स को कॉमन लेता हूँ यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ पर माइनस साइन बचेगा प्लस का वन बटे में कॉस एक्स हो जाएगा क्या वन माइनस का साइन एक्स। देखो वन प्लस में माइनस में या माइनस में, तो इसको मैं वन माइनस साइन एक्स भी लिख सकता हूँ, जिससे होगा क्या कि ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है कट जाएगी। देखो साइन एक्स अपन में कॉस एक्स क्या होता है टेन एक्स, तो जो आपका आंसर आएगा कितना आएगा टेन एक्स आएगा, ऑप्शन नंबर बी।